हिमालयन का फिर से इशू, होंडा का टेस्ट कर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी स्टार्ट हो जाएगा। वाह, बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए और? हिमालयन में कुछ नहीं हो सकता, आज पूरा एग्जॉस्ट ही गिरने वाला था, बच गया बस। लो भाई पूरा उड़ा के, हाँ धूल तो साफ हो गया। एक बार बस बुलाया आ गया। This is actually trekking route. अब बुलू भाई का डेली का स्ट्रगल है, देखो कैसे कितना मुश्किल है यार। ये वाला टेल बैग में यही सीन है कि सामान जल्दी मिलता नहीं है। ये वाला भी ब्रश वैसा हुआ क्या पिच का? ये ब्रश को मैं इसके अंदर डालता हूँ तो ये शार्प हो जाता है। उल्टा डालता है। वही है। Alright guys, welcome back to my channel and today we are in Manang और हम लोग कल यहाँ पे पहुंचे थे अराउंड 6 से 7 बजे के अराउंड एंड एक गलत टर्न हो गया था तो आगे चले गए थे। एनीवेज टाइम पे पहुंचे, सो स्टे इज वेरी गुड और जो प्राइस था डिसेंट था 2500 बट पूरे नेपाल में आप लोगों के जो प्राइस है ना वो होटल के सही मिलेंगे बट खाने के बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी चीजों के 810 मतलब नेपाली करेंसी में ऑब्वियसली। तो अच्छा था, मतलब वुडन स्टे है और बाकी सेलिब्रिटीज भी आके यहाँ पे रुकी थी, मतलब अनुपम खेर और परिणीति चोपड़ा। तो इसी तरीके से है कुछ सीन, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उधर पे है अपना ब्रेकफास्ट वाला लोकेशन। बढ़िया ब्रेकफास्ट आ गया सुबह सुबह। ओ हो हो, हिमालयन का फिर से इशू होएगा? नहीं ये नो नो, अभी अभी ट्राई इट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अभी ना फिर वो बैटरी भी ड्रेन कर देगा। सुबह सुबह हिमालयन का स्टार्टिंग इशू किया तो यहीं पे टेस्ट है, नाम भी हिमालयन है, ऐसे ही थोड़ी ना टेस्ट हो जाता है। बोलो भाई होंडा का टेस्ट कर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। होंडा तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। ये हो सकता है, ये भी सही बात है। हाँ चलो स्टार्ट हो जाएगा, वैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा। वाह, बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए और? तो सही है, बाइक तो स्टार्ट हो गई है, अभी राम वाला बाइक रह गया। तो ये वाला जो है हम लोग इस स्टे में रुके हुए, इस वाले होटल में हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे आज एंड दिस इज होटल येती मनंग नेपाल। एंट्री करोगे मनंग के जस्ट मेन जो छोटा सा टाउन बना हुआ वहाँ से, और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बाहर की भी रोड्स दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया छोटा सा टाउन है यहाँ पे आसपास में। लेट्स रोल, सी यू मनंग वेरी सून ऑन माई बाइक। ब्यूटीफुल प्लेस, और अभी सीन कुछ ऐसा रहेगा ना, प्लान करेंगे अपन लोग अपनी खुद की बाइक पे आने का। यहाँ पे सोविनर शॉप भी है, लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज मिल जाएंगे आपको, स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े बड़े हैं भाई, एंड लुक एट द मेन एंट्रेंस। इतनी सारी याक बैठी हुई है यहाँ पे ना नीचे, ओ आते ही धूल शुरू। वाटर क्रॉसिंग भाई, सुबह सुबह यहाँ से देखो पूरा बर्फ से ना पानी पिघल के आता है इधर पे, आराम से निकाल लो अभी यार। ऑलरेडी पता नहीं क्या राइनॉक्स का वाटरप्रूफ जो ग्लव्स है ना उसमें भी हम लोग, उसमें पता नहीं क्या पानी अंदर चला गया, तो क्या ही कर सकते हैं, अभी गीला ही पहना हूँ मैं, ठंडा लग रहा है पाँव में एकदम ना, अंगूठे जम गए। सीन ये है कि यहाँ पे इधर वाला व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिन का व्यू जो है यहाँ पे अलग है, अभी उधर साइड से पूरा सन है, काफ़ी टाइम हो गया वैसे निकले हुए, अभी मतलब काफ़ी टाइम बाद निकले हम लोग क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, देन कल ऑफ रोड भी बहुत ज़्यादा था, 100+ किलोमीटर का मतलब हार्ड कोर ऑफ रोड, मतलब समझ रहे हो भाई क्या नहीं देखा है कल ऑफ रोडिंग में, हर एक चीज़। बट ब्यूटीफुल यार यहाँ पे देखो, यहाँ तक भी ग्रीन है, यहाँ तक भी ग्रीन पहाड़ी है। कल रात में थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू टाइप सा लग रहा था क्योंकि हम लोग पता नहीं एक्लेमेटाइज तो किए हैं, वैसे तो बेसिस है 9000 फीट पे था कुछ बट उतना इनफ नहीं था, एंड ये जो है हम लोग 11000 फीट पे आए, मतलब दिस इज सेम एज जिस्पा
तो बेटर है थोड़ा सा। एक और मेडिसिन है, मैं कैप्शन में डाल दूंगा, वो खा लोगे प्रिकॉशनरी जिस दिन यहाँ पे आ रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज़ जो होम रेमेडी टाइप से ही है कि क्लोव और जो आपका गार्लिक होता है छील के वो चबा लो, तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका ज़्यादा कर देता है। सो ऐसी कुछ है, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे तो AMS हिट करने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, बाइकर्स हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, अलग अलग जगह हम लोग ना क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग एक्लेमेटाइज होने का टाइम नहीं मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम लोग जो है अपना मतलब हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार तबीयत ख़राब होगी फिर उसके बाद तो भाई घूमना ही मुश्किल है, कहाँ पे जाओगे घूमने। ड्रिंक एटलीस्ट 4 लीटर ऑफ वाटर। अरे बुल्लू भाई, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, बहुत धूल आ रही है यहाँ पे, वही है धूल बहुत है, और पूरा विंड वाइज़र खोल के चलाना पड़ता है ना, वो भी एक बड़ा इशू है। अभी मैं जो पोलराइज्ड अपना सनग्लासेस भी नहीं पहन सकता, अभी सीन ही है, थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया पड़ जाता है, वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है, दिखेगा ही नहीं कुछ। ऑफ रोडिंग यहाँ पे मतलब नेक्स्ट लेवल वाला है, हर चीज़ मिलेगी, वाटर क्रॉसिंग, पूरा पत्थर वाला रास्ता। अभी इधर पे तो देखो यहाँ पे दिखाने का जो है वो यही है। आगे एक बार जब हम लोग पहुँच गए बेसी शहर, फिर कुछ नहीं है, तो मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यही वाला जो पार्ट है ब्लॉग में अपने कवर करूँ। कल वाला जो ब्लॉग है वो तो आप लोगों ने देखा था, अगर नहीं देखा है तो आई नोटिफिकेशन से जाके देख सकते हो। अमेजिंग एक्सपीरियंस था ऑफ रोड का, सारा इस वाले ब्लॉग में सारा नहीं डाला मैंने, पिछले जो 3 लोग हैं वो मनंग के ऑफ रोडिंग के हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो आई नोटिफिकेशन से। एक नंबर भाई ऑफ रोडिंग, मज़ा मतलब डिफ़िकल्ट भी है और मज़ेदार भी है। तो यही वाला मैं कल पीछे होके ना माउंटेन ही दिखा पा रहा था, वो देखो यहाँ पे पूरा ग्लेशियर सा पिघल पिघल के, एंड अभी पूरा प्लेन चट्टान बन गया पहाड़। तो यही वाला है, यहाँ पे लेक से हम लोगों ने रास्ता उधर का ले लिया था, और हम लोग 20 किलोमीटर आगे चले गए थे कल शाम में, देन उसके बाद फिर पता लगा इस साइड जाना था। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना, ये लेक पड़ती है बिल्कुल नीचे, और इधर साइड नहीं जाना है। भाई साहब ऐसा मैंने लद्दाख में भी नहीं देखा, मैं बोलूँ भाई ऐसा वाला माउंटेन लद्दाख में भी नहीं दिखा। हाँ पूरा सिंगल स्टोन लग रहा है, पूरा मोनोलिथ। आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सही बात है, ADB का टाइम। बस बाप रे, ढम ढम कर रहा है। हाँ सही बात है, और क्या इसी रास्ते गए थे, डाउट लगा है मुझे कितना गया है, पत्थर वाला रोड है। दिस इज ओनली द रोड टू बेसीसार राइट? हाँ ये सही होगा। और दिस इज अ ट्रैकिंग रोड? ट्रैकिंग रोड नहीं नहीं मैं सोच रहा, मजा आ रहा है भाई साहब। अरे ये बोलेरो वाला जा रहा है यहाँ से, ये वाले रास्ते से आए थे क्या हम लोग? मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। हाँ ये वाला, बट हाँ कार जा रही है तो ठीक है, हाँ अलग रास्ते से जा रहे हैं, बढ़िया ही है। दिस इज एक्चुअली ट्रैकिंग रूट। उसके हमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नाम की चीज ही नहीं है। थैंक यू। अब ये पता नहीं मेरे को है? नहीं तो पीछे तो आ ही रहते, अब ये नहीं पता कि नहीं। बोलो भाई मेरे को लग रहा है कि सेम ही रास्ता ये। मेरे को लग रहा है वो वाला रोड था बुल्लू भाई, देखो वो जो जा रहा है राइट साइड से।
साला ट्रैकिंग वाले गाली दे रहे होंगे ना अपने को भर भर के क्या रे ये दो इनको ना पकड़ के धमाधम धमाधम मारना चाहिए वही हम लोगों के बारे में भी यही सोच रहे होंगे। मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता ये जो बाइकिंग वाले हाँ खड़े होके चलाना है तो पैदल ही चल लो ये देखो यहाँ पे कैंप है। अरे फार्म हाउस आ गया ना। ओहो सही सेम ही रोड है। फिर स्टीप देख रहे हो मतलब कितना है यहाँ से पूरा बहुत ज़्यादा मतलब ये लेवल है और ये ऐसे ऊपर जा रही सीधे रोड फटाफट। ये जो दो हैं सुवनीर यहाँ से लिए नेपाल का एक फ्लैग और एक अन्नपूर्णा बेस कैंप दोनों बहुत बढ़िया लग रहा। यहाँ पे ना स्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग पूरा मनंग तक जब जहाँ से भी मतलब ये वाला जो रास्ता मनंग तक लेके जाते हो ना कहीं पे भी रुक सकते हो। स्टे थोड़ा बहुत महंगा हो सकता है बट आप लोग बीच में ना खाने पीने का रहने का वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी है आगे चले जाओ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके एक एक जो है यहाँ पे टाउन पड़ता है वहाँ आप लोग लेके आ सकते हो रास्ता। सेम चीज़ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है तो सजेस्ट यही करूँगा थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकलो जिससे कि टाइम पे एक अच्छा लोकेशन पे पहुँच जाओ। अभी हम लोग यहाँ से सीधे रुकेंगे बून वाटरफॉल्स के पास में और वहाँ पे करेंगे लंच क्योंकि उसका ना लोकेशन बहुत बढ़िया था। बोलो भाई कल वाली जगह तो पहुँच गए अभी रुकना है आगे जाना है। ठीक है हाँ ठीक है बस और क्या बहुत साफ सुथरी जगह है यहीं पे कर लेते हैं ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट क्या लंच कर लेते हैं। अच्छा है लोकेशन भी बढ़िया देखो नया दोस्त एक बार बस बुलाया आ गया बड़ा सॉफ्ट है इसके बाल तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है टिमांग है इस जगह का नाम जहाँ कल हम लोग रुके थे कल वाले ब्लॉग में और यहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुक गए क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी 12 बज चुका है। एंड यहाँ पे देखो क्या क्या आ चुका है वाह वेज थाली एंड चिकन करी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं और लंच करके टिपांग में और यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑफ रोडिंग वाला पार्ट पड़ेगा। ये देखो भाई MX वाली बाइक लेके जा रहे हैं मस्त एकदम। अभी वहाँ पे भी देखो पूरा बर्फ गिरी हुई है मोस्टली अभी पहुँचते यार काफ़ी टाइम लगेगा ऑलरेडी 2 बज चुका है। दिखाता है गूगल मैप्स पे कि 4-5 घंटा लगेगा बट इट टेक एंटायर डे मतलब पूरा दिन लग जाता है। तो ये वाला जो है ये ट्रैकिंग वाला रूट है और अभी यहाँ पे देखो मस्त एकदम पूरा वुडन वाला ब्रिज बना हुआ है देखो नीचे से पानी निकल रहा है क्या बढ़िया है यार। इधर पे ना थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए रहेगा बाइक एक बार साइड में लगा देते हैं देन उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। लिविट देखो यही है हल्का सा संभाल के बस निकाल लेना मजे। वेट करते हैं बाकी का। ओके डोंट प्रेस दैट ब्रेक इट विल स्किड जस्ट दिस क्लच ओनली। हाँ निकल जाएगा। वैसे तो ज़रूरत नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से रुक रहा हूँ बढ़िया कैसे कहीं पे भी पत्थर इतना ज्यादा बड़े बड़े हैं जबरदस्त। यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रेक बस ज्यादा नहीं करना है इंजन ब्रेकिंग को काम करने दो। तो यहाँ पे देखो
नीचे जाने में थोड़ा सा डाउनहिल में लगता है। इसी रास्ते से आ रहे थे बट अभी थोड़ा सा टाइम अलग है ना, तो अलग ही दिख रहा है। जंप ज्यादा खाती है गाड़ी, जंप बहुत खाती है गाड़ी। वो तो है, जैसे स्केल बोला यहाँ पे स्केल दिखाने का टाइम आ गया। साला ये सब एरिया हम लोग क्रॉस करके गए थे क्या? पता नहीं लग रहा। रुकना है? अरे मेरा भी पानी हो गया पूरा। तो एज प्रॉमिस्ड ऑक्टोपस वाटरफॉल के पास में रुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बुलू भाई पूरा उड़ा गया। हाँ धूल तो साफ हो गया, मेरा भी ऐसे कुछ हो रखा है ये पूरा। ये देखो कितना पानी हुआ है यहाँ पे है। नहा लेते हैं यहीं पे, क्या ब्यूटीफुल वाटरफॉल है यार ये। बहुत ऊपर से गिर रहा है पानी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग रुक लिए थे, थोड़ी सी रील वील निकाली है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है नदी मुलवी ब्लॉग्स, वहाँ पे जाके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है, सबसे बेस्ट पॉइंट है नेपाल का। जा रहे हो पीछे? ठीक है, उत्तराखंड यार है मेरा प्लान। तो भाई अपने को सौरभ मिल चुके हैं आरकेडी भाई के थ्रू, इनको ये तो पूरा मतलब मस्त एकदम, ये अपना खुद का बाइक चला रहे हैं उत्तराखंड से हैं। और अभी यहाँ जा रहे हैं मनंग की तरफ, हम लोग इधर जा रहे हैं तो अभी बीच में कम्युनिकेट किया था हम लोगों ने। भाई लोग जा रहे हैं 310GS, एक एडवेंचर फुल एडवेंचर सीन जोन है गाइस। और असली एडवेंचर ये हुआ कि हमें नदीम भाई मिलने थे और मिल गए, बड़ा मजा आ रहा है। और अभी चलते हैं आगे की ओर भाई, बहुत दूर जाना है ना भाई, अभी काफी बुल्लू भाई से मिलके चलेंगे। अभी बुल्लू भाई का वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, काफी टाइम लग रहा है धीरे धीरे। ऑफ रोड बहुत ज्यादा है, मतलब कल हम लोग गए थे उसके बाद में आज आ भी रहे हैं वापस। हम लोग का प्लान ऐसा था कि बाइक मतलब जाएंगे मदन उधर भी रुकेंगे फिर आएंगे, बट एक दिन बाइक खराब हो गया फिर उसके बाद में सोचा फिर हम लोग वही करेंगे आगे। बुल्लू भाई हेलो सर, हाउ आर यू? तो बिना कुछ प्रॉब्लम आए हुए ना हिमालय में कुछ नहीं हो सकता। आज पूरा एग्जॉस्ट ही गिरने वाला था, बच गया बस। ये देखो बुल्लू भाई जुगाड़ लगा रहे हैं, फुल टू जुगाड़ है। डक टेप मार मार के एकदम एग्जॉस्ट सील कर देना, अरे पीछे भी मार दो उसके। तो ऐसा ही है, कुछ ना कुछ सीन होता ही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे करी है चिकन और एग करी, और यहाँ पे इसमें सांप है। यहाँ पे यू आर हैविंग स्नेक टुडे, स्नेक ऑर्डर किया यहाँ पे, बढ़िया। वैसे रोटी है इसमें, समझ भी जाएंगे कि हाँ ठीक है गए होंगे बाहर, क्या पता खा लिया हो। क्या पता कुछ ट्राई किया हो। अच्छा अलग से रोटी है भाई, देख लो।